तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज इस वीडियो में नाइट्रोफार एसआर टेबलेट के बारे में बातें करते हैं। इसमें नाइट्रोफिरेंटन रहता है, 100 mg है इसमें। तो इस टेबलेट के पूरा डिटेल्स बातें करेंगे, इसके यूज़ के बारे में बातें करेंगे, कब इसको दिया जाता है आप लोगों को, डॉक्टर कब प्रेस्क्राइब करता है ये मेडिसिन, या इसका डोज कितना दिया जाता है, आप लोग दिन में कितने बार खा सकते हैं ये मेडिसिन, कितने दिन तक खाना चाहिए, और इसका अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट हो तो साइड इफ़ेक्ट के दौर से आप लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी बातें करेंगे। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, और अगर चैनल नया देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फार्मेसी के हर एक मेडिसिन के ऊपर हम एक एक वीडियो बना के इस चैनल में अपलोड करते हैं। तो अगर आप लोग फार्मेसी सीखना चाहते हैं या मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये नाइट्रोफ्यूरेंटन टेबलेट का आप लोगों को फार्मेसी में अलग अलग दो स्ट्रेंथ में मिल जाएगा, जैसे कि 50 mg में भी मिलेगा और ये 100 mg में भी मिलेगा। ये ऐसा करके आप लोगों का दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिल जाएगा ये मेडिसिन आप लोगों को फार्मेसी में। तो ये मेडिसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। तो स्पेशली डॉक्टर इसको जो आप लोग का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है, पेशाब का रास्ता में जो है, पेशाब का थोली जो है उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण आप लोगों का वो पेशाब में बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत जलन जलन फील होता है आप लोगों को, और कभी कभी लोअर एब्डोमेन में, पेट में भी दर्द हो जाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर ये नाइट्रोफिरेंटन टेबलेट आप लोगों को प्रेस्क्राइब करता है, एडवाइस करता है खाने के लिए, और इस कंडीशन में रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिखाता है ये नाइट्रोफिरेंटन टेबलेट ने। और कुछ केस में देखिएगा आप लोग कि डॉक्टर ने अगर आप लोगों का पेशाब में जलन हो रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को नॉरफ्लोक्सासिन भी देता है, बा ऑफ्लोक्सासिन टेबलेट, ऐसा टेबलेट भी दिया जाता है। लेकिन याद, एक बात याद रखिएगा कि जब वो नॉरफ्लोक्सासिन और ऑफ्लोक्सासिन, ये सब टेबलेट आपका बॉडी में रेजिस्टेंट हो जाता है, बॉडी में काम नहीं करता है, क्योंकि एक मेडिसिन बहुत दिन तक लेने का बाद या एंटीबायोटिक डोज आप लोगों का जो जिस तरह से डोज लेने के लिए एडवाइस किया जाता है उस तरफ से अगर आप लोग फुल डोज कोर्स नहीं करते हैं तब भी कोई ये एंटीबायोटिक मेडिसिन आप लोगों को बॉडी में रेजिस्टेंट हो जाता है, बाद में बॉडी में ये मेडिसिन काम नहीं करता है। तो अगर ये नॉरफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन, ये सब मेडिसिन अगर आपका बॉडी में रेजिस्टेंट हो जाता है, काम नहीं करता है, तब आप लोगों को ये नाइट्रोफिरेंटन टेबलेट दिया जाता है आप लोगों को वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो चलिए ये मेडिसिन का आप डोज के बारे में बात करते हैं। तो हर मेडिसिन का आप लोगों का डोज जानना बहुत जरूरी है, प्रॉपर डोज लेंगे आप लोग, प्रॉपरली कोर्स कंप्लीट करेंगे तभी आप लोगों का बीमार का 100% रिजल्ट मिलता है। तो इसका जो डोज है वो पेशेंट का आपका बीमार का कंडीशन का ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट का बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है, या पेशेंट का एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फिर भी इसका जो एडल्ट कॉमन डोज है वो आप लोगों को दिन में दो टाइम खाने के लिए दिया जाता है, एक बार सुबह और एक शाम को 12 hourly लेने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे आप लोग कुछ खाना खाने का बाद दिन में दो टाइम ये मेडिसिन ले सकते हैं, और इस तरह से 5 दिन या 7 दिन तक ये मेडिसिन लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो चलिए इस मेडिसिन का अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इस मेडिसिन से तो इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं देखा जाता है, फिर भी कोई कोई पेशेंट में छोटा मोटा कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाता है, जैसे कि आप लोगों का ये स्लीपीनेस फील कर सकते हैं आप लोग, और नींद आ सकता है आप लोगों को, या माइल्ड हेडेक हो सकता है आप लोगों का, सिर में थोड़ा दर्द हो सकता है आप लोगों को, या लूज मोशन भी हो सकता है। तो ऐसा छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और इसका ऊपर भी अगर आप लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट मिले, कुछ प्रॉब्लम मिले, तो आप लोग तुरंत आप लोगों का डॉक्टर साहब का कंसल्ट कर लीजिएगा, या पास का आप लोगों को फार्मासिस्ट का कंसल्ट कर लीजिएगा, इसका बाद ही ये मेडिसिन आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा।